हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन देखते हैं। एल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू प्रोड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए शर्त है कि अल्फा कार्बन हो, कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन होगी, क्योंकि अब इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन्हें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अल्कोहल बन जाएगा जो कि रिड्यूस प्रोडक्ट है, जो रिडक्शन है, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी तो अल्कोहल बनेगा, एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बन जाएगा। कौन कौन से एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं? यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में हम देख चुके हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फ्यूरल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये तमाम अल्डिहाइड और इस तरह के दूसरे अल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। बेस की प्रेजेंस में है तो सबसे पहले बेस जो है OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, कॉम्प्लेक्स A9 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स A9 है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब ये O नेगेटिव चार्ज वापस कार्बोनाइल बनेगा तो या तो ये हाइड्रोक्सल OH निकल सकता है, यहां से रिमूव हो सकता है, या हाइड्राइड रिमूव हो सकता है। अगर OH रिमूव हो फिर तो वही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड जो शिफ्ट होगा एच नेगेटिव, वो अगेन दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर अटैक करेगा और वो CH3O- अल्कोक्साइड आयन या मेथोक्साइड आयन बन जाएगी और जो A9 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्योंकि ये अल्कोक्साइड या मेथोक्साइड आयन जो है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, ये एज अ बेस बिहेव करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करके मेथनल मिथाइल अल्कोहल बना लेगा जो कि रिड्यूस प्रोडक्ट है, और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे वो कार्बोक्सिलेट बन जाएगा या फॉर्मेट आयन बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड से। ये फॉर्मेट आयन जो है रिएक्शन मिक्सर के अंदर सोडियम आयन्स जो प्रेजेंट हैं उनको लेके सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। अगर यहाँ पे हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो ये सोडियम फॉर्मेट या सॉल्ट की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, दूसरा जो है वो बेंजोइक एसिड बनाएगा। अब यहाँ पे हमने सोडियम बेंजोएट नहीं लिखा, यहाँ पे हमने एच लिखा है। क्यों? क्योंकि अब हमने जो सोडियम बेंजोएट बना था रिएक्शन मिक्सर में उसको एसिड से ट्रीट कर लिया, H3O पॉजिटिव से ट्रीट कर लिया, तो उसने सोडियम बेंजोएट जो है उसको बेंजोइक एसिड एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मैकेनिज्म वैसे ही है, OH पहले कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, A9 बनेगा, A9 का नेगेटिव चार्ज जो है जब वापस आएगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा और एक जो है वो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा जो है वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल से है, एक जो है वो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और दूसरा जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को पिवेलिक एसिड भी कहते हैं। फ्यूरान 2 कार्बोल्डिहाइड से भी एक जो है मॉलिक्यूल वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो है उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस वर्कअप नहीं करेंगे।
एक मॉडिफिकेशन है, बेंजल्डिहाइड अगर सब्सिट्यूटेड हो तो भी उससे वैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक सॉल्ट बन जाएगा और दूसरा जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें KOH पैलेट लिखा है, इसका मतलब है KOH सॉलिड फॉर्म में है। हमारे पास 2-क्लोरोबेंजल्डिहाइड जो है ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो ये रिएक्शन जो है वाटर की एब्सेंस में हुआ है। ये सेकंड वाला रिएक्शन जो है ये वाटर की एब्सेंस में है, इसलिए यहाँ पे एक जो है कार्बोक्सिलेट जो है साल्ट बनेगा और दूसरा जो है वो अल्कोहल बनेगा। कैनिजारो रिएक्शन में मॉडिफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। अगर डिफरेंट एल्डिहाइड्स हों, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हों डिफरेंट एल्डिहाइड्स के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनमें अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का हो, फॉर्मल्डिहाइड की कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड पे होगा, तो इसका एनायन बनेगा। अब इस एनायन का हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये एनायन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो भी एल्डिहाइड होगा वो उसके अल्कोक्साइड एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जो सेकंड एल्डिहाइड है वो एच लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अगर सोडियम आयन प्रेजेंट है तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, अगर वर्कअप करेंगे एसिड वर्कअप करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसका मतलब है जो ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसकी रिडक्शन होगी, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक और मॉडिफिकेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के में कैनिजारो रिएक्शन होगा, ये कार्बन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इस पे OH अटैक करेगा, नेक्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट इसी से होगा और जो है दूसरा कार्बोनाइल कार्बन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनाइल ग्लाइऑक्सल है, ये 2-हाइड्रोक्सी-2-फिनाइल-एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल अबाउट कैनिजारो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म, इसकी एग्जांपल्स। अब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन है जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है वो इन्वॉल्व हुआ है या सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लिया गया है। तो इसका आंसर है कि जब रिएक्शन वाटर की बजाय ड्यूट्रेटेड ऑक्साइड D2O में किया जाता है तब भी जो अल्कोहल मिलता है उसमें ड्यूट्रेटेड ऑक्साइड का कोई ड्यूट्रियम नहीं होता। इसका मतलब है अगर प्रोटॉन वाटर से या सॉल्वेंट से लिया जाता तो जो अल्कोहल के साथ H आता है उसकी जगह पे D होना चाहिए था, ड्यूट्रियम होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे एल्डिहाइड, एस्टरल्डिहाइड या दूसरे एल्डिहाइड्स वो कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं देते। उसकी रीजन ये है कि दूसरे ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं जब बेस से ट्रीट करेंगे तो वहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है तो वहां पे इनोलेट आयन बन जाएगा। उस तरह के एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। थैंक यू।